आज हमें संधारित्रों का समूहन, संधारित्रों का समूहन में दूसरा भाग बताना है। यानी कल हमने बताया था संधारित्रों के समूहन में श्रेणी क्रम समूहन, और आज उसका दूसरा भाग बताने जा रहे हैं समांतर क्रम समूहन। यानी इसको कहेंगे अंग्रेजी में ग्रुपिंग इन पैरेलल। आप चूंकि मैट्रिक में समानांतर पढ़ा होगा आपने, यानी समानांतर क्रम समूहन में ऐसा है, एक संधारित्र यहां है थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर, ताकि आवेश को हमें दिखाना आसान रहे। यहां प्लस क्यू, यहां का आवेश, पहले इस संधारित्रों को आप एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम बता रहे हैं। ये तीन संधारित्र एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए, ताकि इसको अगर ऐसे लकीरों से, चिन्हों से अगर संबद्ध करें तो ये समानांतर रेखाओं के रूप में हो, इसीलिए ये समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। लेकिन अब करना ये होगा कि प्रत्येक के माइनस को एक साथ जोड़ना होगा, क्योंकि समूहन करना है और प्रत्येक का माइनस एक साथ जुड़ेगा और प्रत्येक का प्लस एक साथ जुड़ेगा, प्रत्येक का प्लस एक साथ जुड़ेगा और प्रत्येक का माइनस एक साथ जुड़ेगा। और ये इस व्यवस्था को यहां विद्युत सेल से जोड़ेंगे। अब यहां परिभाषा इसकी हम करेंगे कि ये चूंकि प्लस है और ई भी प्लस है और ई भी प्लस है और ये तो आपको पता ही है, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। आप निश्चित रूप से परिभाषा इसका तो जरूर समझ में आया है कि परिभाषा में आपको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रत्येक संधारित्र के धन ध्रुवों को एक साथ तथा उनके ऋण ध्रुवों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। यानी यूं लिखेंगे कि जब प्रत्येक संधारित्रों के धन ध्रुवों को धन ध्रुवों को एक साथ तथा ऋण ध्रुवों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इसे संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब कल जैसे शर्त बताया था, इसके गुण बताया था, तो समानांतर क्रम समूहन के गुण, उसमें आपको कल बताया था श्रेणी क्रम में कि प्रत्येक से प्रवाहित हो रही धारा या प्रत्येक का आवेश
समान होता है, लेकिन आज ठीक उसके उल्टा, प्रत्येक से प्रत्येक का संधारित्र का आवेश, प्रत्येक संधारित्र का आवेश आवेश कल था समान, किसमें? श्रेणी क्रम में, आज है समानांतर क्रम, आवेश या आवेशों का प्रवाहधारा और समान है, और समान होता है। दूसरा, कल बताया था कि प्रत्येक का विभवांतर अलग अलग होता है, आज है कि प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है। अब इस गुण को यहां हम एडजस्ट करेंगे, यानी इस पर स्थित आवेश Q1, इस पर स्थित आवेश Q2, यानी इधर प्लस Q1 प्लस Q माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, यानी हम आवेश को केवल अलग अलग दर्शा दिया, और यहां से प्रवाहित आवेश Q। अब इस स्थिति में और विभवांतर जो है, देखिए यहां प्रत्येक का मिलन बिंदु एक है, तो इस स्थिति में इसका विभवांतर भी इसका भी और इसका भी। अब भाषाई रूप में जो हमने कल लिखा नहीं था, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिता हम मान लेते हैं, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 है, प्रत्येक का आवेश, इनके आवेश लिखिए, इनके आवेश Q1, Q2, Q3 एवं प्रत्येक का विभवांतर भी कुल आवेश Q तथा समूहन की धारिता C। माइंड हम लोग सेट रखे हैं कि चूंकि हमको प्रयोग करना है C बराबर QI V का, तो हम जानते हैं कि C बराबर QI V, C बराबर QI V अगर क्रॉस गुना करें तो इस स्थिति में हमारे पास आ जाएगा Q बराबर CV। अब यहां लिखेंगे पहला संधारित्र। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कल हम लिखे थे कि इसलिए Q बराबर QYC, आज लिख रहे हैं Q बराबर CV। तो इसमें याद रखिए कि जो राशि समान है उस राशि को एक साथ, और Q1, Q2, Q3 चूंकि आवेश भी एक अदिश राशि है और उधर विभवांतर भी अदिश राशि है, तो कल विभवांतर अलग अलग था या आवेश अलग अलग है, इसलिए आज आवेश को हमके बराबर राशि प्राप्त करेंगे। तो पहला संधारित्र था Q1 बराबर C1 भी, दूसरा संधारित्र Q2 बराबर C2 भी, तीसरा संधारित्र Q3 बराबर C3 भी,
अब यहां समूहन का संदा समूहन की धारिता धारिता सी बराबर सॉरी क्यू बराबर सी वी धारिता सी तो क्यू बराबर सी वी क्योंकि कुल आवेश क्यू है और समूहन की धारिता सी। अब होगा क्या कि चूंकि आवेश अदिश राशि है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, तब Q के जगह हम लिखेंगे CV और यहां हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। आप सबको समझ में आ गया होगा कि CV बराबर V कमन C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। अब यहां विशेष में क्या होगा, विशेष में लिखेंगे कि जब इसको सिग्मा रूप में अगर लिखते हैं तो C बराबर सिग्मा ऑफ CI बराबर 1 और N, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वही विशेष दूसरा हो जाएगा कि यदि n समान धारिता वाले संधारित्रों को जोड़ा जाए तो c बराबर n इंटू सी होगा। आप सबको से संधारित्र का श्रेणी क्रम समझ में आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रयास से जरूर लाभान्वित होते होंगे। लेकिन इसको हम व्यापक रूप में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है। जब ही हमारे पास ये उपलब्धता होगी हम इसको और व्यापक स्तर पर करेंगे, प्रयास कर रहे हैं।